अच्छा ये बताओ जब किसी when you see a guy, when you meet a guy the first time, सबसे पहले क्या चीज आप नोटिस करती हो, क्या चीज appearance wise anything, eyes, उसके parents, उसके जूते, you know the way he talks, क्या चीज सबसे ज्यादा, तो वो बात कैसे करता है. अच्छा दूसरी चीज अगर पेरेंट्स वाइज देखें तो मुझे होता है हाथ पांव बहुत प्यारे होने चाहिए. ये तुम लड़कों को लड़कियों के बारे में कहना चाहिए, और तो लड़कों के हाथ पैर अच्छे होना बहुत जरूरी है. अच्छा अच्छे साफ सुथरे खूबसूरत तो वो मुझे बड़ा होता है कि अच्छे हों. अगर वैसे बड़ा अच्छा और मैंने देख लिया नहीं हाथ पांव तो जरा मैं ऑफ हो जाती हूं. और वैसे अगर देखा हो कि वो पहनने में क्या चीज, तो मैं शूज देखती हूं और वॉच देखती हूं. जिसने करनी है भाई डायरेक्ट शादी करो, ये क्या मंगनिया शंगनिया किस बात का. वो अगर कोई अच्छा इंसान पे हिंट कर रही हो उनकी ख्याल से कुछ सिचुएशन, फिर काम का इतना वो अब हमारे ये भी हो जाता है ना, शादी के लिए टाइम नहीं है, डेट्स नहीं है, डेट्स मैच होना दोनों की कब फ्री डेट्स आ रही है तो शादी करनी है, तो ये सीन भी होता है. तो इंशाल्लाह जब भी कोई अच्छा इंसान मिले तो डायरेक्ट शादी. तो आइडियल डेट क्या, कैंडल लाइट डिनर या कहीं बाहर रोमांटिक वॉक पे, या क्या, व्हाट डू यू हैव इन माइंड, या यू आर द काइंड ऑफ गर्ल गोले गप्पे खाने चले गए, या क्या. नहीं फिर अच्छा मैं वेट कर रही हूँ, मैंने काफी आई थिंक लॉन्ग ड्राइव. ओके ओके लॉन्ग ड्राइव विद म्यूजिक. लॉन्ग ड्राइव म्यूजिक, म्यूजिक भी पता चलना जरूरी है ना किस किस्म का सुनता है. ओके ओके मैंने कोशिश बहुत की है कि मैं सवाल ऐसे निकालूं जिसमें ज्यादा सजल का नहीं हो, लेकिन मैं क्या करूं, आपकी बहन है तो मुझसे कोई कहते ना आप तो बहुत मिलती हो सजल से. मैं कहती हूं सच में आई प्रॉमिस मेरी बहन है वो इसीलिए मिलते हैं. अब नो आई वाज वाचिंग ऑल द इंटरव्यूज एंड आई वांटेड टू आस्क यू क्वेश्चन जिसमें सजल का इतना वो नहीं हो एंड इट्स अबाउट यू, बट वो आपकी बहन है, हम बहुत से सवाल ऐसे पूछते हैं यू नो कि बचपन में बहन भाइयों का कैसा रिलेशनशिप था और सब कुछ, अब वो सजल उसमें ऑटोमेटिकली आ जाती है बिकॉज हमारी बहन है. लेकिन बात यह कि मुझे ना कभी भी लोग मुझसे पूछते हैं कि सजल का इतना वो, सब कहते हैं कि सजल की बहन और ये वो, तो मुझे कभी फील ही नहीं हुआ ऐसा या मुझे बुरा लगा ही नहीं, क्योंकि वो इतना अच्छा, उसने अच्छे तरीके से और अच्छा काम किया, वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नाम है और बड़ा अच्छा उसने काम किया है, तो हमें भी फख्र है उस पर. तो हम कैसे, या तो कुछ ऐसा ही नाम होता है ना कि उसने बड़ा अच्छा काम किया, तो मैं तो बड़ा प्राउड. मैंने सवाल पूछा ही नहीं आपसे. अब मैं आपको कुछ सिचुएशंस दूंगी, ठीक है, यू हैव टू टेल मी के व्हाट विल योर बी आंसर बी इन दो सिचुएशंस. अगर आप उठे सुबह और आपको पता चले कि आप जॉर्ज क्लूनी हैं, तो आप सबसे पहले क्या चीज करेंगी. मैं सबूर अली के पास जाऊंगी जाऊंगा मैं सबूर अली के पास जाऊंगा बस कुछ वक्त दूंगा कुछ वक्त दो बोल नहीं उतनी उम्मीद रखो ना. नहीं भाई तुम जॉर्ज क्लूनी हो, तुम कुछ भी कर सकती हो उस वक्त लेकिन नहीं मैं जॉर्ज क्लूनी है. अगर तुम सुबह उठी हो और तुम मलाल आओ तो क्या करोगी. मैं उठूंगी, मैं ट्वीट करूंगी कि मैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए उनकी कुछ स्कूल्स खोलूंगी. एजुकेशन इज क्लोज टू योर हार्ट. हाँ जरूरी है. हाँ बहुत जरूरी है. ओके मिनाल और एमन को आप जानती हैं, बिल्कुल है ना सिस्टर्स. अच्छा अब तुम सुबह उठी हो और तुम्हें पता चला है कि तुम्हारी बहन सजल नहीं है, एमन है ठीक है. अब मैं तुम्हें तीन ऑप्शंस दे रही हूँ, तुम उनमें से क्या करोगी. सबसे पहले तुम ये चेक करोगी कि तुम खुद मिनाल हो या नहीं हो, ये ऑप्शन वन है, ठीक है. नंबर टू ये है कि तुम चेक करोगी कि एमन की बेटी अमल, शी रिसेंटली हैड अ डॉटर राइट, उसका पैम्पर साफ हो गया या नहीं हुआ, या तुम्हें करना पड़ेगा. थर्ड तुम ये चेक करोगी क्या कि मिनाल को कितनी फिल्म ऑफर्स आई हुई अभी तक. इन तीनों में से क्या करोगी तुम. मैं मेरे ख्याल से वैसे जितना मैंने उसके साथ काम किया तो करना एमन को ही पड़ेगा, क्योंकि वो ही मेरा ख्याल रख रही होती थी सेट पे. फिर जबरदस्ती तुम खाओ, फ्रूट्स काट के लाती थी, दही खिलाती थी, सब खाओ खाओ जबरदस्ती. तो वैसे वो आम जिंदगी में कभी मिलूं तो वो करती है ज्यादा, लेकिन मैं मेरे ख्याल से अमल
अमल वाला चेक करोगी? अमल वाला चेक करूंगी क्योंकि प्रैक्टिस करना जरूरी है आगे, इतनी जल्दी जल्दी सबकी शादियां हो रही हैं, अपने ऊपर कब वक्त आ जाए, तो प्रैक्टिस होना जरूरी है। ओके ओके, अच्छा अब मैं आपको कुछ ना सिचुएशन देती हूँ, ठीक है? आपने मुझे या तो आंसर ही गानों में देना है या बताना है कि उस वक्त वो बंदा या आप कैसे उसमें क्या गाना यूज करेंगे उस सिचुएशन में, ठीक है? सजल राहत की मेहंदी है, ठीक है, और अदनान जो है वो जूता छुपाई के वक्त आप पे कुछ मजाक कर रहे हैं, तो वो क्या गाना गा रहे हो सकते हैं? वो कौन सा गाना था? हाँ, धूले की सालियों हरे दुपट्टे वालियों, जूते दे दो पैसे लेने से। हाँ, जूता छुपाई, वेरी गुड, जूता छुपाई के पॉइंट से आपने सोचा, नाइस नाइस। अच्छा ओके, सिचुएशन नंबर टू कि मेहमान आए हुए ड्राइंग रूम में और आपको चाय बना के देनी है, तो आपके जहन में क्या गाना आएगा? शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया। नाइस, ओके ओके। अच्छा थर्ड एंड लास्ट, तुम बैठी भी हो सजल के साथ और पीछे से अदनान आया है, लेकिन ही थॉट कि तुम सजल हो और आके उसे तुम्हें कुछ मजाक में कुछ बोला है या कुछ तुम्हें किया है, तो तुम क्या जवाब दोगी उसको या क्या बोलोगी? दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों पे डाले दाना। डालता है दागा वो? नहीं, हमारा तो बहन छोटा भाई है, वो तो छोटा है मुझसे। अच्छा, तो धंधा है ये इसका पुराना, हाय राम कुड़ियों पे डाले दाना। मुझे बताओ तुम्हें कब पता चला सजल राहत का, उसने बताया या तुमने उसको पकड़ा, डिस्कवर किया क्या? नहीं, सजल, एनी वांट द रियल स्टोरी, हमें सही वाली स्टोरी चाहिए प्लीज। सजल को फील होता था कि जैसे ना मुझे लड़कियों को पता चल जाता है कि आइडिया हो जाता है, आइडिया हो जाता है। सजल को होता था कि शायद ना इंटरेस्टेड है ये वो, तो मैंने बहुत उसको, वो शायद उस वक्त वो रेडी नहीं थी कि अभी क्या, ईजी ले रही थी थोड़ा, तो मैंने उसको बहुत अपने हद तक कन्विंस किया कि मैंने देखा है मुझे अच्छे लगे हैं और सारी चीजें। तब तो आहत कहती थी ना मैं, तो अब वो अब बड़ा मेरे बोल रही होती ना, कभी कभार मैं फंस जाती हूँ, क्योंकि अभी जब हमने ऑफिशियल करना था तो तब एक ये बड़ी वो चीज थी कि मैंने कहा था जब जिस दिन से ऑफिशियल हो जाएगा ना तब मैं आपको आहत भाई बोलूंगी। तो सबसे बड़ी चीज तो जैसे ही ऑफिशियल किया था इंस्टा पे, जैसे ही उन्होंने पोस्ट की थी पिक्चर, तो सबसे उससे पहले, उसके बाद फौरन दूसरी चीज ये थी कि बोलो, सब वेट कर रहे थे बोलो बोलो, मेरे लिए इतना। फिर मैंने उनको आहत भाई बोला और फिर मैंने पोस्ट लगाई, फिर लोगों ने भी इतना, लोगों को इतना अच्छा लगा कि मैं उनको आहत भाई कह रही हूँ। तो खैर वो उन्होंने, मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से उन लोगों ने डायरेक्ट ही उन्होंने बात की, जो कि अच्छा तरीका होता है। तो उन लोगों ने डेट वेट तो नहीं किया, जो कि सच बात है। और आंटी अंकल आहत भाई सब ने बात की। किस से बात की? पहले सजल को, पहले आहत ने सजल को बोला, सजल को बोला, फिर उन्होंने, सजल ने जाहिर सी बात है कहा कि मेरे बाबा हैं, आप उनसे बात कर लें। फिर आहत भाई गए थे मिलने के लिए, आंटी की बात हुई, अंकल की, फिर बाबा आए, फिर हम लोग मिले एक दूसरे से। और बस आंटी को, तो बस आंटी का बस चले वो आज ही शादी कर दे, और वो शुरू से बस उनको था बस कर दो, जिस दिन ऑफिशियल हुआ या उससे पहले भी उनको बस था कि अगले दिन ही शादी कर दो। तो मतलब तुम्हारा बड़ा हाथ था सजल को कन्विंस करने में कि भाई इस बंदे को अटेंशन दो। आई थिंक मेरा हाथ नहीं, उन लोगों का ही हाथ था, क्योंकि वो लोग हैं इतने अच्छे, कोई मेरे ख्याल से कोई इनकार कर ही नहीं सकता। मेरे को मजे की बात बताओ ना यार, कि सजल को तुमने कोई बात करी थी, तुमने पकड़ लिया और तुमने कहा अच्छा ये चल ऐसा रहा कुछ है, हुआ ही नहीं, ऐसा बोरिंग तो नहीं हुआ ना, कोई मजे की चीज नहीं। वो आपस में अब बहुत अच्छी चीजें होती हैं आपस में, वो लोग जिस तरह से माशाल्लाह इतना प्यार करते हैं और लड़ते भी हैं, तो बड़े तमीज से लड़ते हैं, तमीज से, और मतलब उनका तरीका डिफरेंट होता है। तो तुम तब जब यू नो जब अनाउंसमेंट से पहले, अभी नहीं पहले, तो तब तुम कभी तंग करती थी? हाँ लगी होगी तुम आहत से ही बात करी होगी या कुछ, या इस तरह कभी तुमने टीज नहीं किया कुछ? ऐसी चीजें हैं ही नहीं, बड़ी मैच्योर चीजें हैं। ओके, तो वो कभी छेड़ने वाला, और सजल और मेरा इस तरह का है भी नहीं कि छेड़ने वाला और ये करने वाला और वो। हाँ, लेकिन सजल मुझे, मैं कहीं अगर कुछ मेरे लिए मुश्किलें हैं क्या, वो बड़ी बहन बन जाती है, फौरन बड़ी बहन बन जाती है। तुम नहीं कुछ करोगी, हम खुद देखेंगे, जहाँ करना होगा हम खुद देख के करेंगे।
तो कहना तो व्हाट अबाउट योरसेल्फ, तुम ये नहीं बोलती. हम खुद देख के कहेंगे आंटी है ना, आंटी को होता है हर वक्त कोई ना कोई रिश्ता और ये वो. तो मतलब वो लोग करा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं. सजल ने कभी कोशिश की टू सेट यू अप विद समबडी? नहीं नहीं.